है पब्लिक, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल, आपके सब स्वस्थ और मस्त तो है ना। तो गाइज आज हम आए हैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे, जहाँ पे आपको उस जगह का व्यू बताता हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार ये जगह है, एक अच्छा सा। तो गाइज शादी की तैयारियाँ चल रही है और यहाँ पे मेरी बहन की शादी का खाना रखा हुआ है। आप सभी भी सादर आमंत्रित है, मोस्ट इन्वाइटेशन, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्यक्रम होगा इसी जगह के अंदर। मैं आपको और भी बहुत सारी अपडेट यहाँ की दूंगा। नीचे हलवाई काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। ऐश्वर्य भवन के बाहर देखने पे एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रताप सागर तालाब है और पुलिया बनी हुई है, जहाँ पे परमपिता महात्मा गांधी विराजमान है। यहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई, बहुत ही शानदार ये नज़ारा दिखता है देखने में। काचोला की शान है ये प्रताप सागर तालाब, और कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से पूरा पुलिया का और तालाब का नज़ारा। ऐश्वर्य भवन के अंदर घूमते हुए मैं कमरे के अंदर पहुंचा, जहाँ मुझे बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिला। जय जय महादेव, हर हर महादेव। गाइस ऐश्वर्य भवन का कार्य प्रगति पे है, बहुत सुंदर सुंदर कमरे एसी रूम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं नए अध्यक्ष द्वारा। बहुत ही शानदार यहाँ पे कार्य चल रहा है, आप आराम से देख सकते हैं कितना बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ये उस ऐश्वर्य भवन के ऊपर का दृश्य है, जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से नव निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पे एसी रूम बनेंगे। ये सामने बालकनी और विंडो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे टाइल्स लगाई हुई है। अभी रंग रोगन अभी होना बाकी है। तो गाइस जब भी अपने व्लॉग वाले चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और अपनी वीडियो वायरल हो जाएगी, तब इसी ऐश्वर्य भवन के अंदर अपन एक सुंदर सा भंडारा रखेंगे, जहाँ पे सारे सब्सक्राइबर को इनवाइट करेंगे और यहाँ पे आराम से मिल बैठ के भोजन करेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको ये ऐश्वर्य भवन दिखाया है। तो गाइस चाय भी आ चुकी है, अब धीरे धीरे चाय भी पी लेते हैं। और ऐश्वर्य भवन के ऊपर से बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को मिल जाती है आपको, जैसे सामने वो दिख रहा है महाबली हनुमान जी महाराज का सुंदर सा मंदिर है। इधर ये पूरा तालाब है, गाँव के बीचों बीच ये तालाब है, और ऐश्वर्य भवन भी गाँव के बीचों बीच है बाजार के ऊपर। यहाँ से ये सारा विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। तालाब भरा है अभी बहुत ही शानदार तरीके से, लबालब से। ये नीचे जाने के लिए लिफ्ट लिफ्ट सिस्टम है, ये पैरों द्वारा स्वचलित लिफ्ट है, और ऐश्वर्य भवन के अंदर यहाँ से प्रवेश किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर प्रवेश किया जाता है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जय शंभु दीनानाथ। ये भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी महाराज और नंदी महाराज यहाँ पे विराजमान है। शिव परिवार पूरा यहाँ पे विराजमान है इस ऐश्वर्य भवन प्रांगण के अंदर। हमारे विवाह की तैयारियाँ चल रही है, जहाँ पे खाना होना है। ये हलवाई जी द्वारा बहुत ही सुंदर नमकीन निकाली जा रही है, बेसन की नमकीन। इधर ये मावा बनाया जा रहा है, मिठाई का मावा। इधर ये कार्य चल रहा है, बहुत ही कार्य प्रगति पे है, बहुत ही जोरों और शोरों से ये कार्य चल रहा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय सियाराम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।